हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत प्रकाश यादव और आप सभी देख रहे हैं गेमिंग स्पाइक। तो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दिस बड़े दिन बाद वाली वीडियो। एंड हाँ गाइस, सॉरी गाइस फॉर बीइंग इनएक्टिव सिंस अ मंथ। हाँ गाइस, मुझे पता है मैं मतलब बहुत दिनों से इनएक्टिव था मेरे चैनल में। एंड गाइस, इसका रीज़न था कि मेरी लेजीनेस, ड्यू टू माई लेजीनेस एंड सम हेल्थ इश्यूज़, है ना, मैं इनएक्टिव रहा इतने दिनों से मेरे चैनल में। तो गाइस, हाँ हाँ यार, आपने सही पकड़ा यार। मतलब मैं इतने दिनों बाद अब कोई वीडियो डाल रहा हूँ यार, अपलोड कर रहा हूँ, ओके। तो कुछ ना कुछ तो यार बहाना देना ही पड़ेगा ना आपको, वरना मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा मुँह उठा के यार आपके पास आ सकता हूँ कि देखो न्यू वीडियो आ चुकी है ये वो। ओके गाइस, सो दैट्स द रीज़न फॉर नॉट बीइंग एक्टिव इन माई चैनल सिंस अ मंथ। एंड गाइस, आज की वीडियो जो कहें डिफरेंट गेम, मतलब GTA 5 पे हो सकती थी। ओके, GTA 5 पे, हाँ। बट यार, क्योंकि यार मेरे पास GTA 5 पायरेटेड वर्जन है यार, एंड द गेम इज रनिंग वेरी क्रीपी। ओके यार, मतलब बिल्कुल भी स्मूथली रन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि GTA 5 और मेरे PC की जो औकात है ना, मतलब उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एंड नहीं यार, मेन रीज़न यार ये पायरेटेड वर्जन है, जिसके कारण मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत ही क्रीपी रिकॉर्डिंग हो रही थी, एंड दैट्स वाई ये वीडियो अगेन पबजी पे है। तो गाइस, इस वीडियो में अपन जॉर्जो पोल पे आए हैं, एंड यहाँ पे यार लैंड करते साथ मेरे को बिल्कुल भी लूटिंग नहीं मिली, बस दुश्मनों मतलब मेरे मतलब बस एनिमीज से गोलियाँ मुझे मिली। एंड थोड़ी बहुत कोशिश, मतलब लूटिंग की कोशिश के बाद जाके मेरे को कुछ शॉटगन वॉटगन मिली। एंड गाइस, यहाँ पे मेरे पास अभी है फिलहाल में UMP45, जिसमें मेरे पास है 4X, एंड जिसका रिकॉइल उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बट क्योंकि यार मैंने लिटरली में गाइस मैंने UMP45 इससे पहले 4 या 5 ही बार चलाई होगी। UMP9 मुझे पता है UMP9 इससे बहुत सिमिलर है, बट स्टिल ये गन थोड़ी सी अलग है, एंड मैंने इसको बहुत ही कम चलाया है 4X के साथ। ओके, मैं 4X के साथ यूजुअली M469 चलाना चाहता हूँ, जिसके कारण यहाँ पे मुझे बहुत मतलब आपको मेरी ये नूब एमिंग देखनी पड़ रही है, मैं इसे बिल्कुल भी रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। बट फिर भी यार मेरा लग इतना अच्छा है ना, मतलब जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे 2 बंदे निपटा ही लिए। तो गाइस, यहाँ पे यार एक बंदा यार मतलब जॉर्जो में जो भी टावर थे उनमें से कोई बंदा स्नाइपिंग कर रहा था, ओके, अपनी कार 98 से, जिसके कार 98 का मैं भी शिकार बन गया अपने फर्स्ट टीममेट को रिवाइव करते हुए। तो यार यहाँ पे अपन ने, मेरे 4 टीममेट ने जैसे जैसे करके यार बचते बुझाते, उसकी भी लाइफ बहुत कम थी, फिर भी यार उसने मेरे को रिवाइव किया। एंड यार यहाँ पे मतलब ये सीन यार मेरे को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कर रहा था। यार ये बॉट्स ना मतलब जब जरूरत नहीं होती है तभी आते हैं, मतलब सबसे गलत टाइम में ही ये लोग आते हैं। मतलब यार देख सकते हो मेरे फ्रेंड की जो हेल्थ है इतनी ज़्यादा कम थी, मतलब कि अगर मैं सही टाइम पे उस पर हाथ नहीं देता तो वो लिटरली वो खत्म हो जाता तुरंत, है ना। एंड यार इनको, इसको रिवाइव करते टाइम ही ये बॉट्स का आना था, तो दैट्स ऑल। जैसे जैसे करके मैंने अपने फ्रेंड को बचाया, एंड यहाँ पे मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब मेरे टीममेट के बजाय अगर यहाँ थोड़ी बहुत गोली मेरे को पड़ जाती तो मैं नॉक हो जाता। तो वैसे यहाँ पे मैं ऊपर नीचे इसलिए कर रहा था क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड दैट वो बंदा एक्चुअली में है कहाँ पे, वो Scar98 वाला बंदा, एंड आई कुडंट फाइंड हिम। एंड यार मेरे 30 मिनट मतलब वो पगले के पास कुछ दिमाग ही नहीं था यार, मतलब वैसे पता है जब कोई स्नाइपिंग कर रहा है तो वो डायरेक्टली लूट करने क्यों गया यार, यहाँ पे मेरे थोड़ा सा दिमाग चला मेरा, एंड मैं डायरेक्टली लूट करने के लिए नहीं गया। ओके, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड मैंने थोड़ा वेट किया। ओके, सो गाइस, इसी चक्कर में यार, जल्दी लूट करने के चक्कर में यार हमारा 30 मिनट है वो नॉक हो गया, वो वही उसी स्नाइपर से जो कार 98 से स्नाइपिंग कर रहा था। एंड यार यहाँ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरा 4 टीममेट भी यार नॉक होके किल भी हो गया ड्यू टू यार हैवी फॉल, क्योंकि यार ये एक हिली रीजन है ना, तो यार यहाँ पे आप भी इस फेस से गए होगे मुझे पता है। तो गाइस, अगर आप भी इस पहाड़ से कभी नीचे गिरे हो एंड आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम, या फिर आप टीम नॉक हो गया, तो कमेंट से मुझे बताइए गाइस। तो गाइस, यहाँ पे अपन वेट कर रहे थे यार कि जैसे ही हमारा 3rd टीममेट जो है यार मतलब रिवाइव हो जाए, और वैसे ही यार अपन यहाँ पे से निकले, और जैसे ही वो रिवाइव हुआ अपन कार में बैठने ही वाले थे यार कि अचानक से ऊपर से एक डुबो आता है। एंड यार ड्यू टू दिस हिली रीजन यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कवर एंड एडवांटेज मिला मुझे इन बंदों को मारने में। तो यार ये था बहुत ही छोटा सा क्लच जो कि मुझे बहुत पसंद आया इस गेम प्ले में। तो इस कॉमेंट से मुझे बताइए कि आपको ये क्लच कैसा लगा। इस क्लच की वैल्यू इसीलिए मुझे मतलब वैल्यू इसीलिए हुई यार क्योंकि मेरी हेल्थ इस क्लच में बहुत ज़्यादा कम थी। ओके, एंड ऐसी मतलब इतनी कम हेल्थ में यार बंदे निपटाने में बड़ा मजा आता है अगर आप यार इस फेस को सर्वाइव कर जाओ एंड बंदों को मार लो, वॉट एवर दैट्स ऑल, है ना। तो किसी यहाँ पे मैं 3rd टीममेट मतलब यार जैसे ही मैं लूटिंग कर रहा था, ओके, इतने सारे बंदे मारने के बाद जब लूटिंग का जो मज़ा होता है, तो मैं वो मज़ा गेन कर ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे 3rd टीममेट की लाइफ बहुत ज़्यादा कम है, एंड मेरा 1st टीममेट सांप बन गया हुआ था, तो दैट्स ऑल, मैं उसके कारण नहीं बचा पाया अपने 3rd टीममेट को। तो किसी यहाँ से अपन स्कूल से जोन की तरफ जा ही रहे थे,
और यार इस सीन में मेरे मतलब मेरे बहुत ही गंदे से नूब एमिंग आपको देखने को मिली। तो यार ये इस नूब एमिंग का रीज़न मेरे पास है, अब वो पता नहीं आपको सच लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यार यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था, जो कि येल ट्रॉय हु इज़ वन ऑफ माई बी एफ एफ विल अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। ओके आई होप कि उसे याद हो कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, एंड नहीं पता याद उसे नहीं है तो ही कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके तो गाइस यहाँ से यार जो डुओ यहाँ पे हमारे सामने से जा रहा था, तो गाइस उसको तो मेरे फर्स्ट टीममेट ने संभाल लिया। और गाइस जैसे ही मैं मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था लूटिंग के लिए, ओके उन बंदों को लूट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, तो गाइस पीछे से फायरिंग होती है गाइस। एंड यार आई ट्राइड टू गिव हिम अ हेड शॉट, है ना, जो बंदा पीछे में मतलब स्कूल के कॉर्नर पे यार जैसे कवर लिया था, तो आई ट्राइड टू गिव हिम अ हेड शॉट बट आई कुडंट। एंड एंड आई वॉज वेटिंग कि यार वो वापस से अपना हेड दिखाए मुझे, एंड एक शॉट बस उसको पड़ता कि वो नॉक हो जाता, बट नहीं ऐसा नहीं हो पाया। वो एक बहुत ही फट्टू काइंड ऑफ एनिमी था। तो गाइस यहाँ से अपन स्कूल के अपार्टमेंट से जा ही रहे थे गाइस कि यहाँ पे मेरे टीममेट को लगा कि यहाँ पे बंदे हैं, यहाँ पे एक्चुअली में था, यहाँ पे एक सांप था जिसको मैंने एक्चुअली में नोटिस नहीं किया था, एंड ही कुड हैव किल्ड मी। बट पता नहीं आजकल के एनिमीज को क्या हो गया, सस्ते नशे करके यार वो लोग सांप बन जाते हैं। मतलब यार सांप बन के उसका एम बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ स्टेबल हो गया था यार, बट स्टिल ही कुडंट किल मी। कैसे कैसे लोग बंदे आ जाते हैं आजकल क्या बोले इन्हें। तो गाइस यहाँ तो गाइस स्कूल के अपार्टमेंट से यार जैसे अपन नेक्स्ट जोन में आए, यार यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने वापस से फ्लेयर चला दी उस सांप से जो हमें मिली थी। और गाइस जितने भी मतलब टाइम्स मैंने इस ऐसे छोटे जोन में यार जितने भी बार मैंने फ्लेयर चलाई है, मैं कभी भी वैसे फेस को सर्वाइव नहीं कर पाया यार, क्योंकि इतने छोटे जोन में जब एनिमीज को दिखता है यार कि फ्लेयर चले तो उन्हें पक्का पता होता है कि बंदे होंगे, और यहाँ पे भी वैसे ही यार बंदे आए। और यार यहाँ पे मेरे मतलब बहुत गंदे से यहाँ पे यार मेरे फटी पड़ी थी। और यार इस जल्दबाजी के चक्कर में मेरे फर्स्ट टीममेट ने भी बहुत ही गंदी नेडिंग कर दी, और मैंने भी बहुत गंदा नेड किया। एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा अच्छा नेड करता भी नहीं हूँ, ओके मैं बहुत ही कम नेड करता हूँ, यार मैंने भी नेड किया बहुत ही गंदा सा। सो गाइस यहाँ पे अब मतलब हमारे ही रूम में इतने सारे नेड्स हो रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे को ये फेस थोड़ा सा सर्वाइव करना था। ओके तो मैं यार जल्दी से मैंने अपना लोकेशन चेंज किया जहाँ तक मैं ऐसा करता ही हूँ। ओके हाँ मैं गिरगिट की तरह मतलब पबजी खेलते टाइम मैं अपना गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता हूँ, आई मीन लोकेशन यार। ओके एंड आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही एडवांटेजियस होता है। ओके तो गाइज यहाँ पे सामने वाले बंदों से ये वॉल जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा कवर मेरे को प्रोवाइड कर रही थी। ओके एंड यार गाइज यहाँ पे काइंड ऑफ हाउस इंटरचेंजिंग हो रहा था, मतलब कि जिस घर में यार एनिमीज थी वहाँ के बंदे यार हम लोग के घर में चले गए, मतलब जिस घर में अपन थे थोड़ी देर पहले, एंड मेरा जो टीममेट है वो एनिमी वाले घर में चला गया। एंड यार ये जो बंदा हमारे जिस घर में अपन थे उस घर में गया, तो उसे कोई दिखा ही नहीं था यार, वापस नीचे आया तो ये वापस घर में जा ही रहा था बट इसे कोई दिखा नहीं, तो मैंने उस टाइम का एडवांटेज लिया एंड आई किल्ड हिम। तो गाइस देख सकते हो यार मेरा लक इतना अच्छा था कि मैं इतने देर से उस वॉल का कवर लेके मतलब सामने वाले बंदों को मारने की कोशिश कर रहा था। ओके तब तक वो पीछे से मतलब जो भी जिस भी बंदे ने पीछे से फायर किया उसने तब तक मुझे देखा नहीं था, एंड सडनली जैसे ही मैं मतलब इस घर की साइड आ रहा था, सामने से आ रहा था मैं बंदे को मार के, तो यार उसने फायरिंग की मेरे ऊपर। मतलब अगर उसने थोड़ी देर पहले मेरे को देखा होता और तब तक शायद वो मुझे मार चुका होता, तो आपको ये सीन नहीं देखने को मिलता। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी लक बहुत अच्छी है सो आपको अच्छी खासी गेम प्ले मेरे द्वारा दिख जाते हैं ना। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स द रीजन ऑफ गेम इज फाइव सक्सेस। हाँ वही बोले तो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जोन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका था, तो यार मैंने सोचा कि यहाँ पे इस छोटे जोन में क्या स्नाइपिंग करूँ मैं। तो यार मैंने M24 से DP में स्विच कर लिया, जो कि एक टाइप है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट गन थी। ओके तो गाइस जिस बंदे ने यार मेरे मेरे को पीछे से फायरिंग की थी, तो गाइस इस घर में अपन ने बहुत देर तक कैंपर्स की तरह वेट किया उस बंदे का, बट वो पीछे में ही खत्म हो गया। पता नहीं वो जोन से मर गया कि किसी और बंदे से मर गया। एंड गाइस जैसे ही मैं इस घर के थोड़ा सामने आया तो मेरे को ट्री के पास दिखता है एक सांप, एंड आई किल्ड हिम विद माय फेवरेट गन। तो गाइस फाइनली हियर वी गॉट द चिकन डिनर, विनर वेयर चिकन डिनर। एंड गाइस आज की वीडियो तो इतनी थी। तो गाइस उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड गाइस प्लीज़ यार ट्राई कीजिए कि अगर मतलब आप अगर 200 सब्स कर दो यार अगर न्यू ईयर आने से पहले, तो दैट विल बी एन अमेजिंग गिफ्ट फॉर मी एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। एंड गाइस हाँ मैं अगेन सॉरी बोलना चाहूंगा गाइस कि मैं इतने दिनों से यार इनएक्टिव रहा, आई मीन सिंस अ मंथ यार मैं इनएक्टिव था अपने चैनल पे। लिटरली गाइस वो मेरी हेल्थ इश्यूज के कारण था थोड़ा सा, और हाँ मैं थोड़ा लेजी भी हो गया था। तो गाइस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, एंड
तो गाइस मैं इस बात के लिए भी आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं कहता तो हूँ कि मेरे मतलब मैं कहता हूँ ऐसा कहता हूँ कि मैं पबजी के अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स की वीडियोस डालता हूँ, बट आपको मेरे चैनल पे ज़्यादातर पबजी की वीडियोस मिलती है। तो गाइस दैट्स अ इशू विद माय पीसी यार, क्योंकि मेरे पीसी में बहुत ही ज़्यादा लो स्पेक्स है, तो मैं उतना ज़्यादा हाई एंड गेम नहीं चला सकता। ओके एंड क्योंकि हाई मतलब क्योंकि जो न्यू गेम्स है यार वही ट्रेंडी होते हैं थोड़े ना, तो यार मैं उतने बड़े बड़े गेम्स नहीं चला पाता और इसी कारण मैं पुराने गेम्स ही खेल पाता हूँ। एंड दैट्स ऑल यार, मुझे उतना आइडिया नहीं है कि मैं उन पर किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, बट यार फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको तरह तरह के गेम की वीडियोज दूँ। तो गाइस सब्सक्राइब इफ यू हैवंट टिल नाउ। तो गाइस आज के लिए तो भाषण इतना ही था, आज का भाषण इतना ही था, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय गाइस।